Hey guys, welcome back to my channel. This is Upasana from Antioch Bay Area, and today in this video I'm going to show you my backyard garden. As most of the people ask me that from where did you buy your all the plants, then I just want to say that 98% of the plants I got it from the Home Depot. 98%, not all, but yeah, 98% of the plants I got it from the Home Depot. So without wasting your time, I'm going to show you my backyard. Let's go and just tour for the backyard. Let's go to the backyard, and first of all I will show it from this side. So this side, from the last यहाँ पर हमने लगाया है मोर पंखी वाला प्लांट, एंड दैट इज़ वेरी कूल. और यहाँ पर हमने अभी स्पेस छोड़ा हुआ है. वी जस्ट लीव द स्पेस फॉर सम प्लांटिंग फॉर द वेजिटेबल्स एंड समथिंग एंड लीव दिस बोर्ड बिकॉज दैट्स माई रीजन बोर्ड. एंड यू कैन सी दीज आर मिंट. इसको अभी कटिंग रिक्वायर्ड है मिंट में, बट वी डिडंट गेट टाइम टू कट इट. बट या इन द इवनिंग आई विल डेफिनेटली गोना कट इट नाउ बिकॉज इट रियली रिक्वायर्स टू कट. बिकॉज यू कैन, इफ यू कैन सी द फ्लावर्स, एंड आफ्टर द फ्लावर्स यू हैव टू कट योर मिंट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज द एग प्लांट, एंड मैंने इसमें से अभी फोर एग, ये फोर बैगन तोड़ चुके हैं, एग प्लांट तोड़ चुके हैं, एंड स्टिल दे आर हैविंग मोर देन 10 fruits. It's a, just a one plant and having more than 10 eggplant in it. You can see it's full of eggplant, full of brinjal. So yahan par kafi sare brinjal lage hain. Now this is a tomato plant. टोमेटो प्लांट में हमने अभी 10 टोमेटोज रेड पूरे तोड़ चुके हैं, एंड अभी स्टिल देर आर ग्रीन टोमेटोज, नॉट सो मैनी बट या स्टिल. एंड ये है अनियन, ग्रीन अनियन एज यू कैन से. इसे जैसे आप कोई भी चाइनीज़ फूड बनाते हैं या अनियन की सब्जी बनाते हैं तो ये यूज़ होता है. दिस इज़ वेरी कूल. जितने बार इसको आप ऊपर से तोड़ते जाएंगे उतनी बार वो और इंक्रीज होता जाएगा. दैट्स अ फ्लावर प्लांट, लेवेंडर, एंड ऑफ कोर्स द बगेनविलिया इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट. बिकॉज दिस फ्लावर जो आपके वाइफ्स देते हैं ना बैकयार्ड में, पूरा एक तो भर जाता है आपका बैकयार्ड विद द फ्लावर, एंड इट लुक सो ब्यूटिफुल. कैन यू सी दिस पिंक पिंक फ्लावर? एंड दिस इज ऑफ कोर्स द जामुन प्लांट. एज आई टोल्ड यू, इफ एनीबडी वांट्स जामुन प्लांट्स देन आई हैव, यू कैन टेक जामुन प्लांट्स. ये मेरा रखा हुआ है यहाँ पर ग्रिल. ओके, आफ्टर दैट you can see this is fancy plant, matlab this is not the any fruit and any vegetable plant, this is just for the fancy plant, green. And ye ek bell laga rakhi hai flower ki. This is also a beautiful plant, we got it from the Home Depot. You can see so many plant like this from the Home Depot, like jisme bell grape vines hoti hai, jisme vine hoti hai. And again the bougainvillea, and the color is super different. I love this color. I have 3 to 4 bougainvillea, and those are totally different colors, pink, orange, light pink, and the red one. And this is a pear plant, and you can see that's a good health ka pear, and this is a pear plant over here. और आगे हमने edging कर रखी है for the flowers. तो ये सारे जितने भी plants आप देख रहे हैं ये सारे flowers के plant है. Blueberry plant, इसके आगे ये, इसमें अभी we are waiting for the flowers, ये पूरा flowers से भरने वाला है. And here you can see करी लीव्स, करी पत्ते का प्लांट, एंड दिस इज पोमोग्रेनेट. डू यू वांट टू सी द पोमोग्रेनेट? इस पेड़ को अभी हो गया है 2 साल, एंड वी गॉट एम्पल नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट गाइस. दिस इज सुपर सुपर अमेजिंग दैट वी गॉट सो मेनी पोमोग्रेनेट. ओके, आई विल शो यू द बिग वन. व्हेयर इज द बिग वन? देयर आर सो मेनी बिग वन पोमोग्रेनेट आर हियर. वाओ, I hide it with this. This is very important, you know. Okay, so it look like this pomegranate plant. Now after pomegranate you can see the flowers again, and this is guava plant. So many guavas are coming. Flowers khatam ho gaye isme. Flowers ke baad ab jo fruit banta hai wo hi aap dekh sakte hain. एंड इस पेड़ को भी अभी सिर्फ 2 ही साल हुआ है, एंड वी गॉट एम्पल नंबर ऑफ गुआवा हेयर. यहाँ पर रोज़ लगा था, वाइट रोज़ पूरा बड़ा हो गया था, बट मैंने उसकी कटिंग कर दी क्योंकि अब उसके रोज़ हो चुके थे. नाउ इट नीड्स कटिंग. कम से कम आप इतनी कटिंग करिए तभी आपका नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से पेड़ दोबारा निकलेगा. और ये स्टिल यहाँ पर फ्लावर के पेड़ है, इसको भी पूरा कट किया हुआ है, देख सकते हैं. दिस फाउंटेन, एंड दिस इज citric plant. What is that? I have to see. Yeah, orange one. This is growing.
We didn't see even a single orange in this, but yeah, we are expecting for the next year. Maybe next year the orange will come definitely. And this is, I think, mandarin. Yeah, you can see the mandarin. See, you can see it's hidden because it's a dark green color. So it's hidden inside the leaves. I can see over here also. Yeah, when it will become orange, then I will definitely make another video. And here's a Chinese plant, Chinese flower plant. These look so beautiful. I think I have two Chinese plants. That is, one is the pink and another is here. It's a red. Abhi iska season ho gaya hai. The season is completed yet right now. Okay, let's go. You can see these flowers. I love these flowers. And oh my god, that's beautiful flowers coming again in this. Okay, ye plant bahut hi sundar tha. Isme bahut sare flowers aaye the, but abhi iska season ho chuka hai. Now, ye, look at this plant. Ye aapne dekha hoga Home Depot ke aas paas. Har jagah ye plant laga hua hai and it gives you a very cute flower. Like we have red, we saw so many like pink, white and ये पूरा भर जाता है आपका. इतना खूबसूरत लगता है कि यार और क्या चाहिए. ये देखिए, यू कैन सी दिस प्लांट. ओ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. नाउ ये प्लांट देख सकते हैं. थोड़ा सा मैं पीछे से लुक दिखा देती हूँ आपको कि अभी तक मैंने क्या कवर करा. सो आई कवर दिस पार्ट. ओके, नाउ लेट्स गो ओवर हियर नीचे. वाओ, लुक एट दीज फ्लावर्स. This is the flower plant. As I already told you कि H पे जो भी हमने लगाए सारे flower plant लगाए, और H से पीछे जो भी हमने लगाए वो decorative और something like fruits plants लगाए. But yeah, ये पहले हमने rose यहाँ पे लगा चुका था. Rose needs required cutting. Not today, but yeah, after some day it requires cutting. Yeah, ठीक है. This is rose, और now you can see that decorative plant again. And yes, can you see this? This one, that's the same, but the colors are different. I think this is a pink color or the red color will come over this. Now, after this, again, my favorite bougainvillea over here. Can you see this bougainvillea? Wow. Okay, you can see this stand. And yeah, of course, water for the bird. कटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. प्लीज डू कट योर प्लांट्स. ऐसा मत सोचिए कि आप कट कर रहे हैं यार खत्म हो जाएगा. नो, कटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो डेफिनेटली कट योर प्लांट्स. वी रिमूव आवर बर्ड फीडर फूड. द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी रेड्स आर कमिंग, सो मेनी माउस और स्क्वेयर्स आर कमिंग एंड दे लिटरली दे मेकिंग आर मेस टू आवर बैकयार्ड. कहीं पर होल्स बना रहे थे. एवरीवेयर वी सॉ सो मेनी होल्स बिकॉज ऑफ द फूड, बर्ड फूड की वजह से. वाई? बिकॉज वो भी वही सेम खाते हैं जो बर्ड खाती है, राइट? लाइक इन बर्ड फूड में बहुत सारी सीड्स होती है, तो रैट्स, माउस, स्क्वायरल, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ईट दैट सेम. तो उसकी वजह से काफ़ी बेकार हो गया था बैकयार्ड. तो हम लोग ने बर्ड फूड अब नहीं रखा, बट या स्टिल वी पुट द वाटर फॉर बर्ड्स. दैट इज कूल. एटलीस्ट वाटर तो रखना चाहिए. दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैम. Now after this bougainvillea, this is again the citric plant. This is lime. I can see some of the flowers are there, but there is no lime still. Maybe next year definitely lime will come, I'm sure. Yeah, this is grapefruit. This is very small plant. Can you see that? This is very small plant, but still there are having so many grapefruit. Heavy grapefruit. Okay. Oh my god, that's so cute. Can you see that? Wow. After this, बेले का पेड़ जिसमें बहुत सारी खुशबू आती है और इसके गजरे भी बनते हैं कि नहीं, और बहुत ही यहाँ से आप निकलते हैं ना तो इतनी प्यारी सी स्मेल यहाँ पर आती है ना, मैं क्या बताऊँ. इसको हमने एक जाल के अंदर रख रखा है, तो जितना भी ये इंक्रीज होगा, राइट, तो एक इसके नेट के अंदर ही आपका ये पूरा इंक्रीज होगा. और वी वॉट इट फ्रॉम होम डिपो अगेन. Now, the next of this, the plum plant. So we have two plums. One is this. Can you see that? And one is that. So I will show you the plums over here. इसमें जो variety है plum की वो है yellow, not the red one. तो इसमें जितने भी आपके plum होंगे वो yellow होंगे, और बहुत ही tasty है यार. इतने yummy है ना खाने में, मैं आपको क्या बताऊँ. बहुत ही मीठे हैं ये plum.
और द नेक्स्ट वन इज द रेड, एंड इसमें एक और वेराइटी है प्लम की, आई विल शो यू. दिस इज अनदर वेराइटी ऑफ प्लम इन द सेम प्लांट. तो हेयर आई हैव थ्री काइंड्स ऑफ प्लम, दिस द बिग वेराइटी एंड द स्मॉल वेराइटी इन द सेम प्लांट विच बिकम्स रेड, येलो देन रेड. कैन यू सी दैट? And this is the one, it becomes only yellow, not the red or the orange, no, it becomes only yellow, this becomes red. And both plants, plums are very very yummy. This one is cool. Okay, so here there are two plums plant. I'll show you. इसका पूरा मैं दिखाती हूँ आपको. Okay. और यहाँ पर भी हमने पत्थर डाला हुआ है पूरा. Okay. Stones से पूरा भरा हुआ है. Now the next. इसके middle में हमने ये rose plant लगा दिया था. इसकी cutting required है. I will do the cutting. Okay. Now after the next, after the plum plants, we have a grapevine. And there are ample number of grapes. Can you see the bunches of grapes? And this is in green color. These are not black grape, these are green color. And this is only the single plant over here. Wow. I'll take you inside it. India की याद आ जाती है ना कि इंडिया में बैठकर पूरे छाया होता था बिल्कुल, और इसके नीचे बिठा के पूरा चारपाई रखते थे बिल्कुल. This is like that. पूरा ये हम लोग ने आर्च लगा रखी है. This type of arch हमने पूरी लगा रखी है. तो जो भी ग्रेप वाइन आएगी सब इसके ऊपर ही आएगी. Wow. Okay. अब जो आर्च के नीचे हमने लगा रखे है वो है पॉट्स. तो पॉट्स में हमने क्या लगा रखा है, इसमें सक्यूलेंट है एंड दिस इज डेकोरेटिव प्लांट एंड दिस इज द लीफ विद अ फ्लावर प्लांट. वी गॉट इट फ्रॉम द होम डिपो. अगेन दिस इज डेकोरेटिव, दिस इज अ फ्लावर एंड दिस इज अगेन हमने बेल लगा रखी है, क्योंकि जब ग्रेप वाइन का टाइम चला जाता है तो सारी लीव्स गायब हो जाती है, सारे ग्रेप्स खत्म हो जाते हैं और सूख जाते हैं. तो उस टाइम पे ये सारी बेल आपके ऊपर चढ़ जाएगी और आपको एक अलग ही वाइब देगी. इसमें फिर फ्लावर की बेल चढ़ेगी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में हमने फिर लगा रखा है मोर पंखी. यू कैन गेट इट फ्रॉम द होम डिपो अगेन. और बीच में लगा रखा है हमने मैंगो प्लांट. ये जो मैंगो प्लांट है ना, आई गॉट इट फ्रॉम द सीड, मैंगो सीड. एंड मोर पंखी, दिस कैन यू सी दिस प्लांट, this is very important. Because of this plant you will not see even a single snake in your backyard. So definitely मोर पंखी का पेड़ जरूर लगाइए अगर आपको स्नेक नहीं चाहिए, नहीं तो आपके बैकयार्ड में स्नेक्स आ सकते हैं एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर एनी वन. तो हैव अ गुड डे. तो दिस इज ऑल अबाउट माई बैकयार्ड. बाय बाय.